अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। दोस्तों वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम शोलापुर। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि एक फ्रेम के अंदर अगर एक शहर दिखे तो आपको भी मज़ा आएगा। मैं आज आपकी मुलाकात कराऊंगा, कुछ आपको एक्साइटमेंट बहुत सारा होने वाला है, पर पहले मैं पूरी टीम से आपकी मुलाकात करा दूँ। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, आप सब एक ही साथ एक ही फ्रेम में, ठीक है। आप सबको लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे इंडिया के अंदर आप लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, ये नस्ल पे मेहनत हुई है भाई आप लोगों की। पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं हाजी साहब आपसे बोलूँगा इंशाल्लाह, एक इंट्रोडक्शन दे दें कौन कौन है हमारे साथ, क्योंकि अगर कोई नए लोग अगर देख रहे हैं ना वीडियो, सो दे विल ऑल्सो नो इंशाल्लाह। जी आसिम भाई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजू भाई सोलापुर से हैदराबाद बेंगलोर यहाँ से डील चल रही है उनकी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम चल रहा है। और हमारे सोनू जी समंदर गोट फार्म के ओनर माशाल्लाह, हमारे खान साहब है सदर साहब, वालेकुम अस्सलाम, आने वाले हमारे एसोसिएशन के सदर साहब है। सही, ये टॉपिक पे और भी बात करेंगे इंशाल्लाह, है ना। और हमारे मुझे भाई कामती करे बड़े बिजनेस में है और शौकीन भी है माशाल्लाह, बहुत उम्दा शौक है। हम देखे हैं हंसा जमुनापारी के अंदर माशाल्लाह। उल्लू भाई वालेकुम अस्सलाम, आसिफ भाई यहां पर, आसिफ भाई है साहब। सो हम लोग एक्चुअली गुल्लू भाई के घर पे हैं जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फिलहाल हम लोग गुल्लू भाई के घर जी, ये सेकंड बार आया एंड ये भी दावत मुझे याद रह जाएगी, पहली तो भूला नहीं हूँ मैं पाई की दावत, तो ये भी याद रह जाएगी इंशाल्लाह। सो अभी ये इंट्रोडक्शन का दौर हो गया है। देखिए वैसे अगर आपको बीच में भी कुछ बोलना होना तो आप यू आर फ्री, आप बात कर सकते हैं, लेकिन मैं खान साहब से जानना चाहूँगा हम लोग क्यों जमा हुए हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक मकसद से जमा हुए हैं कि एक जो मेल है जो गुल्लू भाई और हमारे मुदस्सर भाई जो लिए, तो उसका एक शो कराने वाले इंशाल्लाह, तो इसके लिए यहाँ सब लोग जमा हुए और इंशाल्लाह आपको भी इसके लिए यहाँ पर दावत दी गई। सही है, वैसे तो शायद ज़्यादातर लोग देख ही चुके हैं उसको, हमारे जो आज मौजूद हैं यहाँ पर शोलापुर में देखे हैं, अभी इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी लोगों तक इंशाल्लाह उसको पहुँचाएँगे कि क्या क्वालिटी शोलापुर में आई है और इंशाल्लाह आगे भी उसकी क्या क्वालिटी लोगों तक पहुँचेगी। ये बहुत बड़ा मुझे भाई एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर रहने वाला है एक्चुअली, लोग यकीन नहीं करेंगे कि क्या होने वाला है। बस मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम जो भी कुछ बता रहे हैं ना, ये बस अल्लाह कबूल करे और हेल्दी रखे वो चीज़ को जो हम लोगों के सामने ला रहे हैं, नज़र बच से बचाए हमें, है ना। तो एक छोटा छोटा सा बाइट ले लेता हूँ जो जो भाई देखे, फिर हम लॉन्च करेंगे, ठीक है ना। हम लोग राजू भाई से स्टार्ट करते हैं। राजू भाई आपने देखे माशाल्लाह, है ना, मैं नाम भी अभी नहीं ले रहा हूँ बकरे का, आई थिंक आप बड़े हैं आप लोग ही इंशाल्लाह उसका नाम बताना। कैसा लगा आपको? बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह आपको की लेंथ में वगैरह की हेल्थ के हिसाब से सही है। चलिए तो इंशाल्लाह इंतज़ार है लोगों को, है ना। आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या यूनिक फीचर्स है माशाल्लाह शोलापुर में? ऐसी चीज़ आई है शोलापुर में भी शौक बढ़ रहा है, अच्छी चीज़ तो अभी तक शोलापुर में देखने नहीं मिली थी, इंशाल्लाह देखने मिलेगी आगे आगे। सही, ये कितना प्राउड फीलिंग है ना कि हमारे एरिया की नस्ल तो नहीं थी वो, नहीं थी, लेकिन कैसे अपना के और कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं आप लोग। मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि अच्छी चीज़ दिखाओ, रीज़न क्या है कि मतलब मुझे वीडियो चाहिए ये भी है एक बात, लेकिन दूसरी बात ये है कि अपने इंडिया का नाम होता है। आज लोग इजाज़ी बोलते ये बोलते, मैं बोलता हूँ लंबान तो बहुत है ना, चकलान कहाँ से लाने वाले होते हैं? चकलान तो आप लोग के पास ही है ना, है ना। आप माशाल्लाह खालिद भाई बहुत काम करते हैं लाइन में और पहले से भी कर रहे हैं, है ना। एक आप क्या बोलना चाहेंगे एक जो हम चीज़ देखने वाले हैं उसके बारे में? ये एकदम नायाब चीज़ है एक्चुअली, और शोलापुर में शौक नायाब चीज़ों का ही हो रहा है, इंशाल्लाह शौक आगे बढ़ाएंगे और अभी जो चीज़ दिखाने जा रहे हैं वो नायाब चीज़ों में से ही है, जो आप लोगों के अंदर एक जो यू नो एकता भी अल्हम्दुलिल्लाह, इससे भी आई होप फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल, है ना, कि आप एक दूसरे के अगर बकरों से लोड भी करवाना है अपनी बकरियाँ,
ये सब बहुत हेल्पफुल है मेरे हिसाब से। ये तो बाकी जगह पे मुझे नहीं लगता कि इतना इजीली कन्विंस होते हैं लोग। नहीं नहीं अभी सब होम ब्रीड भी निकल रही है और माशाल्लाह सबके पास नायाब चीज़ आए हुए भी है और इंशाल्लाह शोलापुर से आगे भी बहुत सारी चीज़ें बाहर जाएंगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका माशाल्लाह जी। माशाल्लाह आपका मैं नाम जैसे मैं बताया कि ये ट्रिप में हैदराबाद में बहुत सुना मैंने आपका नाम, तो काफ़ी नायाब चीज़ है जैसे ईजी नहीं है ना निकालना। मतलब आप बताओ ना अच्छी चीज़ कौन देगा किसको? नहीं देगा तो ऐसा है अभी ये बच्चा जो है बहुत क्वालिटी का है, ये अच्छे घर से आया है जी और इसका बाप भी बहुत माशाल्लाह बहुत क्वालिटी का है जी। अभी हम मेरा काम तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग में चलते रहता हूँ और अच्छा क्वालिटी का माल लेता रहता हूँ, मैं देते रहता हूँ जी। तो ये एकदम हाई क्वालिटी में बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा है तकरीबन गुल्लू भाई ने डेढ़ महीने का कुछ तो लिया था, डेढ़ महीने से लेके अभी तक यहाँ की परवरिश हुई, वो परवरिश में बहुत आगे निकल चुका बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस हिसाब से पाले हैं, जिस हिसाब से पाले और हाँ। उसके जो उन्हें रिस्पांस और उसका जो पालना रहन सहन मतलब उसका चुप देख रेख अच्छी, हालांकि मैं तो पहली बार देखा पर देखने से मालूम पड़ता है कि अच्छा पला है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे कान में लेंथ में सही हेड में बहुत अच्छा बच्चा है। तो मेरा ट्रेडिंग के हिसाब से काम रहता अल्हम्दुलिल्लाह, काम भी जाता हूँ अच्छी क्वालिटी के बकरे लेता हूँ या मांगता हूँ, तो मैंने भी उनको मांग चुका हूँ ये जी। और मेरे दोस्त है कुछ ट्रेडर भी रहना बहुत जरूरी है। नहीं सही बोल रहा, एक बात बोल रहा हूँ, ये क्या ट्रेडर बोल तो कुछ गलत काम नहीं है, मतलब ये अपन शौक से एक काम करते हैं और मैं तो क्वालिटी में करता हूँ, क्वालिटी नहीं तो मैं माल लेता हूँ पैसा दाम लगा के ले लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसको इतना अच्छा दाम लगा था तो भी गुल्लू भाई ने मना कर दिया, बोले अज्जू भाई इसके बच्चे देंगे लेकिन ये बच्चा तो नहीं देंगे, फिर अभी मुझे बच्चों का इंतजार है इसका। सही, इसका तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नायाब चीज़। बहुत आपने अच्छी बात बोले इंशाल्लाह, ये काम ही सबर का है। हाँ सबर का काम है, गुल्लू भाई ने सबर दिखाया है, मेरे को भी सबर करने की सलाह दी तो बोले मुझे ट्रेडरों में कम सबर होता है। हाँ, कम सबर रहता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अपन इंतजार करेंगे उसके बच्चे लेंगे जी। उससे नायाब वही है बच्चा तो बहुत नायाब है और हमारे बेंगलोर से आया बच्चा अभी, उसका जो भी है गुल्लू भाई बताएंगे। सही, बहुत ही माशाल्लाह बच्चा। सही, तो शोलापुर के समुन्दर से एक और नायाब चीज आ गई अभी माशाल्लाह। वैसे तो जैसे आप तो देखते ही आ रहे हैं, उसका ग्रोथ भी देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं उसके ऊपर मेहनत है हमारी गुल्लू भाई जी, मेहनत है असली मेहनत है, सब हिसाब से बहुत क्वालिटी में है। सही, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आप तो मतलब लाइक वन ऑफ द पायनर्स बोल सकता हूँ मैं शोलापुर के ना, स्टार्टिंग से आप ब्रीडिंग सेटअप भी रन कर रहे थे, पतिरा में हैदराबादी में काम किए, तो कितनी खुशी हो रही है आपको कि ऐसी चीज़ आपके एरिया में है अभी, ये आपके पास है बेसिकली, आप सबका ही है। अगर किसी को कोई नूर ही मिले जी, हीरा मिलने के बाद में जो खुशी होती है, हम तो शौकीन हैं जी, हम शौकीन को हमको क्या चाहिए, हमको एक अच्छा नायाब शौक करना है, हमको जो नायाब चीज चाहिए था हमको तो हमको अल्हम्दुलिल्लाह मिली है। जैसे कि अभी खान साहब ने आए, फिर खान साहब ने शौक को बढ़ाया, फिर जैसे जैसे जिसकी जिसकी वजह से जो जो भी माल आया शौक बढ़ते गया, इंशाल्लाह अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है ये जो मेल बच्चा अभी हमारे पास में है आने वाले वक्त में पूरे ऑल ओवर इंडिया में नाम करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात बोले सर आपने इंशाल्लाह। सही है, और ये चीज़ चल रही है आसिम भाई के ये जो बच्चा आया था उस वक्त में तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि बहुत नहीं क्या लोगों के वो रहते हैं कोई पॉजिटिव थिंकिंग कोई नेगेटिव थिंकिंग, लोग ये भी बोल रहे थे कि यार इतना छोटा बच्चा इतने लाखों में मतलब इतने बड़े अमाउंट देके लेकर आए, अमाउंट तो नहीं बोलूँगा लेकिन ले देकर तो लेके आए थे और बहुत छोटा बच्चा था, उसके ऊपर गुल्लू भाई ने अपने मुंजू भाई ने सबसे बड़ा रोल गुल्लू भाई का है, फिर गाइडेंस के लिए हमारे खान साहब भी हैं साथ में। सही है। इस तरह से हम लोग सब मिलजुल के काम कर रहे हैं आसिम भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अभी अदंत पे वो बच्चा आने वाले वक्त में इंशाल्लाह कुछ मिनटों में हम लोग मुझे मुझे लगा कि आप बोल दें, मुझे लगा कि आप बोल देंगे और पूरे आपके सब्सक्राइबर्स को इंशाल्लाह ये चीज दिखाने के बाद में उनका भी व्यू लेंगे जी, वहाँ प्लीज कमेंट करें जी, 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 है ना, और जो भी है आपके दिल में वो कमेंट करें, मोस्ट वेलकम है इंशाल्लाह। वही बच्चे की डिमांड बेंगलोर से हैदराबाद से बहुत हो रही है जी, और उम्मीद रखते हैं गुल्लू भाई से कि वो नया दे और इसके आने वाली नस्ल जो है ना इंशाल्लाह हम लोग देंगे। नहीं मैं जैसा बताया ना कि वो अभी गुल्लू भाई का नहीं है, ये शोलापुर का है, तो इंशाल्लाह वही नस्ल अब आगे इंशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी होती है मैं कहीं जाता हूँ खान साहब और हर जगह आपका नाम सुनता हूँ यूम का, तो आई फील वेरी प्राउड
मुझे अच्छा लगता है कि देख के भाई का कितना नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है जो अल्लाह ताला ये मकाम तक मतलब पहुँचाया गया। बेशक अल्लाह शौकिंग के हिसाब में, क्योंकि शोलापुर में शौक तो हमारे इमरान भाई बहुत पुराने हैं, इसमें जो मैदर की जी तीनों पुराने हैं, मोहम्मद हुसैन पुराने हैं, मोहम्मद हुसैन है। हाँ, तो जो ब्रिड लाइन का जो काम स्टार्ट किए, मेरी एक तमन्ना थी कि शोलापुर में ब्रिड लाइन आए जी और उम्दा से उम्दा क्वालिटी आए, बस इस पर मेहनत करे, अल्लाह से उम्मीद थी अल्लाह पूरा करे। और जो बच्चा आया गुल्लू भाई के पास और मुदस्सर भाई के पास, वो नायाब बच्चा है, क्योंकि वो बच्चा बहुत क्वालिटी में है। इंशाल्लाह कुछ मिनटों में जैसा हरी साहब बोले इंशाल्लाह शो करेंगे। सही है, बस मैं और थोड़ा रिव्यू ले लूँ फिर इंशाल्लाह आपके हाथ से ही मैं हम लोग कराएँगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक एक्चुअली सबसे पहले, एंड बहुत ही जल्द हम लोग बताना चाहिए उसका लेंथ वगैरह के नाप करके दिखाएँ। आप बताइए, नाप के दिखाएंगे है ना, तो हम लोग जी अभी तो अनंत में है। हाँ, तकरीबन 12 महीने के करीब करीब का है। 12 मंथ्स अभी पूरे नहीं हुए, शायद 12 कंप्लीट हो गए। कंप्लीट हो गए, अनंत में है अभी बच्चा जी। तो इंशाल्लाह दांत भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, और मेजर भी करके दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे बोले तो, एक शोलापुर में हमको खुशी है कि एक नायाब बच्चा है बराबर, और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्वालिटी में, तो आप इंशाल्लाह तो कुछ मिनटों में इंशाल्लाह शो कराएंगे इंशाल्लाह जी। सब व्यूअर्स को बेसब्री से इंतजार है जी भाई, हम ज्यादा वो नहीं करते हैं इंशाल्लाह, उसको चलिए तो ले आते हैं बकरान जी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोस्तों आपके सामने पेश कर रहे हैं हम लोग, नाम मैं चाहता हूँ बकरे का आप ही लें, पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसका नाम रखे हैं शान। शान अल्हम्दुलिल्लाह। सो शोलापुर की इंशाल्लाह शान ही है जी। इंशाल्लाह इसका नाम रखे शान जी। मुझे एक बात अच्छी लग रही है कि ये महाराष्ट्र में, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा भी कुछ हक हो जाएगा फिर इसमें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आइए हम लोगों के सामने पेश करते हैं शान। जबरदस्त, सो जैसे आपने बताए थे कि हम नाप के बता देंगे। हाँ, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नाप लेते हैं। चलिए, सो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चकलान बता रहे हैं इसकी। खान साहब कितनी है चकलान? ये इसकी 9.25, एग्जैक्ट 9.25 इसकी कान है जी। हाँ, मतलब 9 को एक आध दो सूद कम। हाँ, दो सूद कम है 9 के लिए बस। माशाल्लाह चलेगा। अब इसकी लंबान देखें, तो दोस्तों लंबान का भी वीडियो आपके सामने है, 21 पॉइंट इट्स गोइंग अप। हाँ, 21.5 देख सकते हैं आप। रफी बदात बताओ। सही है, चलिए कान देख लिए हमने माशाल्लाह। ये मतलब अभी 12 महीने का है, 12 मंथ्स का, 13 महीने का होगा कंप्लीट। 13 महीना कंप्लीट हो गया, चालू स्टार्ट, 13 चालू है माशाल्लाह। वाह, अभी सबके साथ में मैं इसका वीडियो ले लूँगा। ये अज्जू भाई एक रिकॉर्ड बोल सकते क्या अभी तक का? हाँ, अभी तक तो जो चल रहा है उसका हिसाब जी रिकॉर्ड में ही जमा होगा इंशाल्लाह आगे भी। अभी तक तो जो हिसाब है इसका, जो अभी जो उम्र के हिसाब से 12 महीने के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी जो आगे का ये है फ्यूचर, अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्ड इंशाल्लाह बनाएगा। और एक इसकी नस्ल के बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा जी, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसका बाप जो है अपने बेंगलोर के नोमान भाई, नोमान शरीफ, उनका जो हीरो बकरा है उसका डायरेक्ट बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी बहुत माशाल्लाह 23-10 पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में उसका डायरेक्ट बेटा है। सही है, तो अभी क्या है ये बाप के आगे निकल जाएगा इंशाल्लाह बराबर। अभी कैसा है ये तो अरंत पे है इंशाल्लाह, इसके बाप के काम तो शो में माफी दे, मतलब जो विनर था सेकंड कंपटीशन में ना, सेकंड कंपटीशन का फर्स्ट विनर, फर्स्ट विनर था हीरो, हीरो रमन भाई के पास है जी, उनके पास है। और इंशाल्लाह उम्मीद है इसकी दांत लगाने तक तकरीबन और बढ़ाएगा, क्योंकि अभी तो लाइव अपन माप के दिखाए चकलान और लंबान जी। अल्लाह ने चाहा तो और उम्मीद है अल्लाह से और एक 2-3 इंच बढ़ जाएंगे, तो भी हमारी
ख्वाहिश है कि अल्लाह करे बढ़ जाए। नहीं इंशाल्लाह जरूर भाई, दुआ करेंगे हम लोग। तो आपने सोलापुर में अल्हम्दुलिल्लाह जी कानों में सब में बड़ा बच्चा यही है और कम ही उम्र में अदन थे 12 महीने एक सोलापुर में एक रिकॉर्ड है इंशाल्लाह। सही तो अल्हम्दुलिल्लाह सोलापुर में नहीं, मेरे को लग रहा है शायद ये नहीं रिकॉर्ड होगा एक नहीं बाहर तो अपन अभी देखे नहीं इंशाल्लाह यहाँ तक तो अपने नजर में नहीं सोलापुर में तो ये फर्स्ट बच्चा है दूसरों के पास भी है बच्चे जो मतलब कि हम ये तो नहीं बोलेंगे कि इंडिया में हमारा टॉप वन है ऐसी बात नहीं है। हैदराबाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बच्चे हैं, बेंगलोर में भी अच्छे बच्चे हैं और जहाँ भी हैदराबादी का मतलब ये लॉन्ग ईयर का जो शौक हो रहा है सबके पास है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो नायाब चीज मिली है तो अभी आपके सामने है, तालीम जो भी कर रहे हैं हम लोग ये आपके सामने, ये क्या चीज है बराबर जो नायाब की जो क्वालिटी आती है ना आसिम भाई, चेहरा चाहिए देखो अदंत भी ये चेहरा है आसिम भाई, कुछ ऐसे नहीं है कि मतलब पकड़ के कुछ बता रहे हैं, देखो ये ऐसा करेंगे तो और ऊपर जाता बराबर है ना, नेचुरली देखो इसका चेहरा कलर देख लो आप, गुलाबी पन देख लो, सही है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा मदर की लाइन से भी बता सकते हैं इसके, इसकी माँ भी जो है वो डायरेक्ट अजूबा की बेटी है, डायरेक्ट अजूबा की बेटी, इसकी फादर के साइड भी अजूबा का ही, खानदान का शजरा अगर जानना हो तो हिस्ट्री खान साहब के पास पूरी नहीं, इसके लिए मैंने पूछा ना माशाल्लाह। इसका जो इसकी जो माँ भी है वो डायरेक्ट अजूबा की बेटी है और हीरो भी डायरेक्ट अजूबा का बेटा, अजूबा का बेटा, तो दोनों में ये बच्चा आया है सही है और ये पूरा गुलाबी 100% में इंशाल्लाह 99% बोले तो भी चलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि पूरा चेहरा कान पूरी स्किन पूरी पिंक है, पूरी पिंक देखो आप अभी इंशाल्लाह इसका रिजल्ट भी आएगा गुल्लू भाई के पास आएगा इंशाल्लाह, रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह एक दो तो वो भी इंशाल्लाह ओके शो करेंगे इंशाल्लाह आने वक्त इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी आसिम भाई इंशाल्लाह इसके रिजल्ट भी देखने मिलेंगे हमें, सही और इसी तरह से सोलापुर में कहीं शेड पे जो है ना सब बकरियां गाबन है तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह रिजल्ट के साथ उतरेंगे हम। और जो नोमान भाई जो दिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, खैर नोमान भाई क्योंकि ऐसा नायाब बच्चा हमको दिए, क्योंकि एक चाहत में दिए कि एक सोलापुर में शौक बढ़ना और फजल भाई भी मुझे जो यूं ने दिए बस यही उम्मीद सी दिए कि सोलापुर में बस नाम हो जाए, शौक हो जाए, हाँ शौक बढ़े। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको तो मालूम है तकरीबन यूं के फीमेल्स बहुत जगह पर पहुंच चुके हैं, सही है, बस इसके भी इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से कि इसके भी नायाब बच्चे पड़े जी, अल्लाह से उम्मीद है, बनाने वाली जात तो अल्लाह की है बस, बेशक बेशक। तो हमारी बस कोशिश है कि लोगों तक बस अच्छी चीज जाए और शौक अच्छा हो, सोलापुर में शौक बढ़े, बस स्टार्ट से उम्मीद है हमारी यही, बस अल्लाह का शुक्र और करम है कि हमको अल्लाह ताला यहाँ तक तो लाया, बस उम्मीद है और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बेशक बेशक बेशक, सही है, एक बार इसको थोड़ा छोड़ के दिखा देते हैं लोगों के सामने इंशाल्लाह, शाम की शान दिखाओ क्योंकि ये रुकता नहीं एक जगह पे, अभी मजा देखो थोड़ा उधर क्या बात है, रुक रुक माशाल्लाह देखिए भाई चल पर एक नंबर चलो शान चल 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 ऊपर ले चल आ अरे क्या उम्र का था जब ये लिए थे, ये तकरीबन एक महीने का था, पूरा पिंक है जो हासिम भाई, और ये तकरीबन एक महीने का था तब सोलापुर में आया है, तो ये मतलब इतने छोटेपन से रखना ये गुल्लू भाई की मेहनत है और मुदस्तर भाई का भी उसमें सपोर्ट है, तो इसमें गुल्लू भाई की जो परवरिश उन्होंने जो की है माशाल्लाह की है बहुत उम्दा, अल्लाह नजरे बच से बचाए, बहुत शानदार। ये देखो बचपन की इसकी वीडियो, ये हुई ना भाई सेम यही इस पे वन मंथ है ना, वन मंथ का था जब भाई, यही सोफा आ रहे वाह यही सोफा है बिल्कुल, देखो सेम क्या बात, देखो ना यहाँ देखो मजा आ गया, कौन बैठा है, पापा दोस्त बैठे हैं माशाल्लाह, मतलब अभी होते थे फिर बिठा देते थे ऐसा लग रहा है मूवी देख रहे हैं हम लोग आज, सर चले छोड़ दो भाई सर को, छोड़ो हाँ सर को, इधर बैठा शाबाश माशाल्लाह।
सो माशाल्लाह लोगों ने देख लिया शान को। एक छोटे कुछ क्वेश्चंस और रिव्यूज़ है, जैसे कि अभी बकरा तो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह, तो आगे अगर किसी को ये नस्ल चाहिए सो कैसे लाइक कैसे कांटेक्ट करें या कैसे चलने वाला है, थोड़ा बताएं लोगों को। अभी ऐसा है आसिम भाई कि हम तो सर्चिंग में हैं, जो अच्छी क्वालिटी के फीमेल है, जो इसके हिसाब से जो सूटेबल है सबके राय मशवरे से, बेंगलोर और हैदराबाद के जो भी सीनियर सिटीजन जो भी हैं इस शौक में जी, सीनियर सिटीजन उम्र दराज लोग के ज्यादा एक्सपीरियंस देता है, ऐसे ही सही कहा, यंगेस्ट का उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता, जितनी अपनी उम्र है उतना तो उनका एक्सपीरियंस है ज्यादा, सही है। तो उनसे थोड़ा सा राय मशवरा लेके अच्छे अच्छे फीमेलें जमा कर रहे हैं और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इसकी जो नस्ल होगी तो इंशाल्लाह वो शो भी होगा और सेल भी करेंगे, सही है। वो वही टाइम पे आई थिंक बात करना भी बेहतर होगा। इसमें एक आसिम भाई इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, बकरेबाजी में शौक में सबर बहुत जरूरी है जी। ऐसा नहीं है कि अभी वीडियो देखे और कोई फोन लगा के बोले कि भाई इसका बच्चा है तो नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह इसके लिए सबर करना पड़ेगा, अभी यहाँ से कम 6-7 महीने सबर करना, ये सबर ही था इसके लिए वो चीज यहाँ पर आई आपके पास है ना, और आगे भी इंशाल्लाह लोग जो भी लेना चाहेंगे सबर से इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, सही। और मुझे खान साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया है जो भाई ने बकरा दिए, नुमान भाई, मतलब बाज मरतबा कुछ लोग शायद बताना बताते नहीं है कि भाई ये चीज़ जैसे हिजरा जैसा आप बताते हैं है ना, जाफर चाचा के हमें गया तो सबका नाम लेते हैं, और ये लाइन में कैसा है जो ब्रीड लाइन जो बोलते हैं जी, इसमें अगर सही तरीके से लाइन अगर लोगों तक पहुंचाएंगे तो उसका बेनिफिट भी होगा और सही नस्ल चलेगी, इसमें झूठ बोल के या कुछ ऐसा गलत बात करके अगर कोई देता होगा तो फिर वो नस्ल मायने नहीं रखती जी, क्योंकि इसका जो पीछे का जो शिजरा है वो अगर सही बताए तो उसमें मजा भी रहता और पालने वाले को भी खुशी हो जाती कि भाई ये चीज पाल रहा हूँ, सही। तो अगर मैं बकरियों के रिलेटेड क्योंकि आपने इतनी जी, जिसके घर पे जो ब्रीडर है या जो नस्ल चढ़ रही है जी, अगर हम उनके घर से अगर बताएंगे कि भाई हाँ इनके घर की ये फीमेल है या इनके पास से कोई लिए फिर उनके पास से हम लिए, तो ये चीज जो ना रियल फैक्ट, देखो इसमें कोई सर्टिफिकेट वाला काम तो नहीं है जैसे बोर में चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बोर को भी बहुत पीछे छोड़ दिया, सही कहा, बहुत पीछे मतलब के पैसेंजर में चले गए वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ये चीज है कि हमको ये बताना जरूरी है आसिम भाई और हर किसी को ये बताना जरूरी है कि किसके घर का माल है, बराबर, किसके घर से लिया गया है जी। तो जितने भी शौकीन है सब शौकीन को ये चीज पता है कि किसके घर में कौन सी नस्ल कौन सी चीज चल रही है, इवन के मेल फीमेल उसके आने वाले बच्चों को, और अगर कोई फीमेल किसी के पास भरा के ला रहे हैं तो वो भी मालूमत रखते हैं लोग, बराबर, इसके घर से फीमेल भरा के लाए थे और उसमें ये बच्चे पड़े हैं और ये बच्चे माँ ये है और बाप ये है, बराबर, इस तरीके से बताया जाता है, सही। तो ये बताना जरूरी है, सही। जैसे कि इतना नायाब मेल है अपने पास शान, तो अभी बकरियां भी वैसी चूज करनी पड़ेंगी, कुछ बकरियां जो आप चूज किए हो ऑलरेडी, ले ले दो तीन बकरियां ले सकते, तो क्या दिखा सकते हैं हम लोग लोगों के मालूमात के है ना, शो करेंगे तो एक बकरी शो कर देते हैं इंशाल्लाह, इसके बारे में तो आप बताएं लोगों को। ये बकरी है हमारे इरफान मुगलपुरा भाई हैदराबाद से, हैदराबाद से ये उनके पास ही लिया है, 8.5 को 21.5 कान है, 8.5 को 21 21 इसकी लंबा है, वो भी शौक के लिए दिए आसिम भाई, ऐसा नहीं है कि एक मोहब्बत में दिया, हमारे मोहब्बत में दिए हुए, बस वो भी ये ख्वाहिशमंद है कि वो शान पे जो है ना ये फीमेल का अगर बच्चा अच्छे क्वालिटी में पढ़ता है तो इरफान भाई का भी जो है ना वो ख्वाहिशमंद है कि भाई उस पे जो है ना बच्चे देखना चाहते हैं उनकी फीमेलों पे, इसलिए उन्होंने जो है ना गुल्लू भाई को दे दी, मोहब्बत में दी, मोहब्बत वाला सौदा था और मार्केट की डील नहीं, शान से लोड़ो हुए अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने की लोड़ो हुई, तकरीबन एक महीने की लोड़ो गई शान से। मैं तो मतलब जैसे साल भर तो हैदराबाद के वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, 21.5 इंच इसके लंबा ने, जैसे हम लोग छोटे थे अभी बच्चों की उम्र के तो हम लोग बकरे देखते थे 17-18 तो बहुत खुश हो जाते थे, और जाड़ापन भी, पर आज देखो बकरियाँ आपको प्लस जाड़ापन। सोहेल भाई आओ आप हैदराबाद से, तो ना आपके दो वर्ड जरूरी हमारे, आप क्योंकि बराबर हैदराबाद के वीडियो बनाते हो 21.5 मैं तो शायद देखा ही नहीं हूँ हैदराबादी फीमेल के अंदर, जैसे नीचे हाथ रखने की भी जरूरत नहीं गुल्लू भाई, पूरा खुला कान, हालांकि इतना बड़ा कान है तो घूमना चाहिए था ना,
मतलब एक बोलते ना आसिम भाई, इसमें चाड़ापन बहुत है कान में, जो जैसा कि अभी हैदराबाद वाले जो बोलते हैं वहाँ पर के दोस्त लोग हैं हमारे जी, जो अट्टे वाला काम बोलते हैं बराबर है, हाँ, जो जाड़ापन में जो उन्होंने मिसाल देते हैं कि आटे के मापिक कान है इसके जी, तो वो क्वालिटी में है अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरा भी है कान भी है। इसके पहले भी बच्चे उनके पास अच्छे बने इरफान भाई के पास जी, तो एक उम्मीद से ले लिए गुल्लू भाई और इरफान भाई ने दे दिए, और मैं इतने ब्रीडर्स के पास आज जा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि नासी इज मेकिंग अ कमबैक, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ब्रांड इज ब्रांड, थोड़ा कम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं लेकिन उसकी जो क्वालिटी है एक ना एक दिन उसको उसका मुकाम पहुंच जाएगा, वो ब्रांड ही है। नहीं इसमें क्या है असीम भाई, जो नासी में जो चकलान और जो लंबा नाच और जो पंच पंच आता है वो बाकी में इनके मुकाबले में बहुत कम है, तो वो हिसाब से ना हम जहाँ तक शोलापुर में जो प्रिपेयर कर रहे हैं नासी को कर रहे हैं, एक बार दिखा देते साथ में, एक बार साथ में दोनों का चेहरा आमने सामने करके एक बार, वाह माशाल्लाह, आ जाओ आ जाओ, देखो सुर भाई कैसे लग रहा है आप, सो माशाल्लाह आफ्टर हैविंग अ वेरी गुड लंच पूरे मतलब हमारे शोलापुर के भाइयों के साथ, और चाय की कमी थी वो भी पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक एक गुड बाय वाला नोट ले लूँगा सबसे, ठीक है फिर ये वीडियो ख़त्म कर देंगे हम लोग इंशाल्लाह, ठीक है भाई आपसे स्टार्ट करते हैं भाई अजुबा, क्या नहीं आसिम भाई मैं ये बोलना चाहूँगा शोलापुर में जो शौक हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, हर तरीके से शौक बढ़ रहा है, इसमें क्या है बहुत कम शौकीन थे शोलापुर में हैदराबादी के, तकरीबन मेरे देखने के नज़र में तो मैं तो पहला हैदराबादी में नहीं था, अभी अभी नया आके मैं ट्रेडिंग वगैरह कर रहा हूँ। आपकी नज़र में सबसे पहले कौन स्टार्ट किया? अभी मेरे नज़र में एक दो लोग थे, उनके बाद में खान साहब थे, खान साहब का मसला ऐसा रहा कि खान साहब ने उसको टाइम दिया पूरा पूरा टाइम दिए बराबर, पहले वाले भी थे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी शौकीन है वो भी शौक के हिसाब से, लेकिन खान साहब ने जो शौक बढ़ाने के तालुक डेडिकेशन जो डेडिकेशन और जो नस्ल के हिसाब से जो उन्होंने पूरा टाइम खाली हैदराबादी को दिया, अभी पहले लोग थे पाल के छोड़ दिए कुछ छः महीने पाले साल पाले फिर बकरियाँ काट दिए, लेकिन खान साहब ने एक बार जो स्टार्ट किया उनके बाद में एक दो तीन लोग के बाद चौथे नंबर पर खान साहब आएंगे इंशाल्लाह शायद चौथे पाँचवें नंबर पर खान साहब आएंगे, लेकिन जितना खान साहब ने टाइम दिया शोलापुर में और जो हैदराबादी ब्रीड को शोलापुर में डेवलप करने के लिए, मैं मेरे नज़र में मैं आंखों से देखा हूँ घंटा घंटा पर जो बेंगलोर से फिर हैदराबाद से हर से कांटेक्ट है उनका अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ऑल ओवर इंडिया में सब मेहमान आते हैं, हाँ मेहमान आते हैं कोई भी, अभी मैं कहाँ भी अभी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी मैं कुछ दिन हो गए कुछ साल हो गए मैं अभी भी कर रहा हूँ, जहाँ भी मैं नए कस्टमर को मिलता हूँ या कस्टमर को माल डालता हूँ वो मेरे को पहला रेफरेंस खान साहब का पूछता है, शोलापुर बोले तो खान साहब बराबर, क्या मालूम पड़ता है कि इन्होंने बहुत टाइम दिया, सही जो टाइम मेन जो रहता है शौक तो रहता है शौक आदमी पहला ही कर रहा है, लेकिन कम शौक था लेकिन शौक बाद में से इन्होंने जो बढ़ाया, जो शोलापुर में कुछ भी नहीं था शौक बराबर कुछ भी नहीं था, सब लोगों को बताया गया नस्ल ऐसा रहती है कान की लेंथ विड्थ ये ब्रीड लाइन जो ब्रीड लाइन के बारे में मालूम देना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इसमें हमारे दोस्तों का भी बहुत बड़ा हाथ है, जैसा कि इमरान मैदर की हमारे ये बहुत पुराना शौकीन है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ तक पहली जो हैदराबादी जो लॉन्ग ईयर जो इनके पास से खरीदा इनके पास से, और इमरान भाई बहुत पुराने शौकीन है, इमरान भाई का थोड़ा बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैनेज कर देते मैनेज कर देते सही, लेकिन उन्होंने भी अच्छे शौकीन है वो नहीं पता, और उनके बाद में मोहम्मद हुसैन भाई माशाल्लाह वो भी अच्छे तकरीबन पुराने शौकीन, फिर राजी साहब भी स्टार्ट में मेल फीमेल का जोड़ा लिए थे उन्होंने हैदराबाद से, वो टाइम में बहुत काफी महंगा लिए थे तकरीबन आज से एक 2007 में लिए थे 95,000 में कुछ जोड़ा लिए थे वहाँ से, ये भी पुरानी शौकीन है, कार लेके वो टाइम पे अहमदाबाद जाते थे पतीरा लेने हैदराबाद से लिए मैंने पतीरा लेने भी जाते थे पतीरा लेने का हैदराबाद, मैंने पतीरा का भी शौक इनसे ही देखा मैंने, पतीरा का जो शौक स्टार्ट करे वो हमारे इमरान इमरान भाई ने भी हर शौक किया, जो फीमेल लिए मैं और उन्होंने दिलाए मुझे स्टार्ट में जो पतीरा जो फीमेल्स है वो दो है दोनों भी क्वालिटी में अल्हम्दुलिल्लाह,
पतिरा का स्टार्ट भी है ना अल्हम्दुलिल्लाह इमरान के जरिए से अल्लाह ताला यहाँ सोलापुर में बराबर। हाँ तो क्योंकि पतिरा में बहुत मालूम है इमरान को, हैदराबादी में भी काफी नॉलेज है। सही तो अभी क्या है जरा अभी ब्रिडर मतलब ब्रिडर की जगह अब उन्होंने बिल्डिंग बनाने के वेंडर्स बन गए, ये अभी एक्चुअली एडवाइजर हो गए इमरान। एडवाइजर एडवाइजर उनके अल्हम्दुलिल्लाह पहले बहुत पहले शौकीन है वो सोलापुर में, फर्स्ट शौकीन है वो बोल सकते हैं इनको, फर्स्ट शौकीन ऑफ सोलापुर माशाल्लाह। इसके अंदर खान साहब बहुत मेहनत किया, इसके अंदर दिन रात मेहनत करके, और शौक अलग बात है मेहनत अलग बात है। इन्होंने जो लोगों को जो नहीं मालूम था लोगों को, जैसा मुझे नहीं पता था, मैंने दिन रात बैठ बैठ के इनके पास आ गए मेडिकल पर, घंटा घंटा दो दो घंटे ठहरता था, सब बता देते मुझे जो ये लाइन था ऐसा है, ये नशा लगता है, ये ब्रेड होने चाहिए, बहुत सारे लोग इनके नाम पर बड़े हुए क्या बात जी। थोड़ा मैं अभी इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, है ना, ये हमारे भाई सब बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गुड बाय बस बोलना चाहेंगे और दुआ करिए सबके लिए आप लोग भी। असीम भाई मैं बोलना चाहूँगा जी, ये जो अभी इन्होंने जो बकरा दिखाए जी, इनका जो शौक दिखाए जी, ये इनके शौक की वजह से मेरे भी दिल में एक शौक पैदा हुआ है कि भाई मैं बकरा पालू वैसा हैदराबाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वाह वाह। ऐसा मेरे भी दिल में है ना, इन सब की जो मोहब्बत है, इन सब का जो ये देखने को मिला ना खुलूस जो, हाँ तो इनके साथ में मेरे को भी है ना जुड़ने का मौका मिले भाई। एक्चुअली कोटा के शौकीन है आप, वैसे कोटा का शौक है। अरे वासिम भाई मेन मसला क्या है, अभी जो मैं डेटिंग हिसाब से काम कर रहा हूँ जी, तकरीबन ना डेली एक दो लोग नए लोग फोन कर रहे हैं कि हमको हैदराबाद ही दिलाओ, हैदराबाद ही चाहिए। शौक बढ़ रहा है, शौक बढ़ रहा है एक्चुअली सोलापुर में। जैसा कि मुस्तफा भाई है, हमारे आसिफ भाई, आसिफ भाई है, इनको भी कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं हैदराबाद, इन्होंने मुझे कॉल लगा रहे हैं, बोले अज्जू भाई हैदराबाद ही दिलाओ। तो आसिफ भाई पालने का अभी अपने को भी है, लेकिन अभी ब्रीडिंग सेटअप के हिसाब से, ब्रीडिंग सेटअप के हिसाब से अपन अभी प्रिपेयर नहीं है, अपन फिलहाल तो ट्रेडिंग में चल रहे हैं अपना। सही तो ब्रीडिंग सेटअप का अभी फिलहाल राजू भाई क्या तो है शौक, शौक तो है ना अपने भाइयों के बाड़ी पे जाके ही पूरा हो जाता है। सही इसका मेरा शौक भी ज्यादातर पूरा करने में खान साहब का भी हाथ है जी। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई। खालिद भाई का तो शायद मैं सबसे पहले से आपका वीडियो बना रहा हूँ ना, बिल्कुल बिल्कुल, मैं शायद आप फर्स्ट पर्सन थे जिसका मैं वीडियो बनाया, सोलापुर से पहले। मेरे को इनका शौक बहुत अच्छा लगता है, ये जो सेटअप है माशाल्लाह। सोलापुर से मैं पहला ही बंदा था जो असीम भाई से कांटेक्ट किया है ना, जो अपना वीडियो बनाए थे पहले मुंबई से। सही है, और मैं देखा आप भी स्टार्टिंग से हैदराबादी पे जुड़े रहे। मैं बहुत सारी ब्रीड पे काम किया हूँ, तोतापुरी, मैं जब मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ जब से ब्रीड पहले भी आप पतिरा कवर किए। हाँ पतिरा भी आप बीच बीच में रख लेते हैं, हाँ, है ना, क्योंकि शायद हैदराबादी और पतिरा का बहुत डिमांड हुआ था एक टाइम पे, हाइट पैड बोल के पतिरा बीच में बहुत ज्यादा इसमें था, फिर अभी हैदराबादी चल रहा है फिलहाल, और अभी लाइन में गया हूँ तो खान साहब के एंड से ही गया हूँ। सही, चलिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक हो अगेन, दोनों बच्चों को भी बहुत शौक है। जब भी मैं वीडियो बनाने आता हूँ ना तो इन लोग से मुलाकात होती होती है, और बहुत अच्छा लगता है आप दोनों को देख के, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी शुक्रिया माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, सब ने कॉमनली एक्चुअली खान साहब की बहुत तारीफ़ की है। मैं भी एक्चुअली दो वर्ड्स बोलना चाहूँगा, जो कहानी की बात है वो अल्लाह की है, बस अपना एक छोटी सी मेहनत है बस, कि एक इंसान के जरिए से लोगों तक वो सही तरीके का इल्म पहुंचे। जैसे मैं बहुत जगह वीडियो बनाया सोलापुर में, ये तो मतलब कुछ बोलने की बात नहीं है, पर जहाँ भी जाता हूँ ना, अब जैसे एक बकरी दिखाया उसने, मतलब भाई कान कितने क्या है, किससे लोडेड है, यूम से लोडेड है, फिर दूसरे के आ गया भाई किससे, यूम से लोडेड, मतलब मैंने इतनी जगह इनका नाम सुना के बोलने की बात नहीं, मतलब ऐसा कोई छोड़ता नहीं है भाई। एक नायक चीज अपने सोलापुर में पैदा हो गया सर, जो सिकंदर मेल है, हाँ। में जो हमारे यहाँ से गया था सोलापुर जी, मुजाहिद भाई को, मुजाहिद भाई पास है, जो मैंने जापान जेते सीखा था, काला पत्थर महमूद भाई उनके घर पे था वो बच्चा, उनके घर से जापान जेते ने लिया, जापान जेते से मैंने ले लिया, मैंने हमारे दोस्त है मुजाहिद भाई, खास दोस्त है, उनको दे दिया, वहाँ से एक बकरी यहाँ क्रॉस हो गई थी, हमारे जो अशफाक भाई खत्री बोल के अच्छे शौकीन है वो, उनके घर में एक अलहमदुल्ला बहुत अच्छी फीमेल पड़ी, वही भी एक सिकंदर का एक पहला रिजल्ट
जो सोलापुर में अल्हम्दुलिल्लाह आ गया था, वो भी थोड़ा कल अच्छा है सोलापुर के लिए, बहुत अच्छी खुशी की बात थी। वो भी आ जाए इधर, वो भी हाई लेवल का बकरा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बकरा है उधर? नहीं फीमेल हो गई, फीमेल बढ़िया थी, तो वो आ जाए इधर शान के कोटे में फिर। सही है, उसमें मैं थोड़ा इंशाल्लाह मेहनत करूंगा। जी सही है, तो वीडियो खत्म करते हैं अभी हम लोग, क्योंकि अभी हम सबको मेको खास करके एक एंगेजमेंट है, वहाँ जाना है, ठीक है ना? आप ठीक है, आज तो आज उस्मान भाई की मंगनी वहाँ जाएंगे। आज मैं बोलूँगा कि हमारे एक यंगेस्ट यूट्यूबर जी उस्मान, जो सोलापुर के बहुत मशहूर, मतलब छोटे से बहुत कम उम्र में और अल्हम्दुलिल्लाह इतना नाम करे जो यूट्यूबर है, जो आपसे जुड़े हुए जी जी, आपके शागिर्द है, आपके शागिर्द है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके आज एंगेजमेंट है। वो जब भी ये वीडियो अपलोड होगा तो आज ही हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाह रहे हैं हमारे ऑल ये सोलापुर और लॉन्ग ईयर गोट एसोसिएशन की तरफ से। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही छोटे उम्र में बहुत ही बढ़िया काम करे उन्होंने। सही, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब, शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।